तो गाइस फाइनली हम हिमाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन तो क्या यार, ये पहला टास्क हमारा। देखो भाई बहुत बड़ा मंदिर है यार यहाँ पे शनिदेव महाराज का, तो भाई बहुत जबरदस्त। एक एक चीज दिखाऊंगा आपको इस मंदिर की, बहुत जबरदस्त कलाकारी कर रखी है पेड़ों के साथ भी। मंदिर में देखो भाई काम चला हुआ है, यो ठूठी भी है। तो भाई जैसे ही मंदिर एंट्री करते हैं, देखो भाई राइट हैंड साइड में कितना प्यारा मंदिर बना रखा, शनिदेव महाराज का। देखो भाई कलाकारी देखो हिमाचल वालों की, दिख रहे हैं भाई ये देखो भाई कैसे मुंह बना रखे हैं शनिदेव के मंदिर पे। कम से कम भी भाई ज्यादा नहीं कहता हूँ, कम से कम भी 5,000 फेस होंगे। ये देखो भाई साहब बिल्कुल, पूरे मंदिर पे इर्द गिर्द जहाँ पे भी देखो भाई फेस ही फेस है शनिदेव महाराज के। क्या बात है, स्टैंडर्ड देखो भाई पंडित जी का। ये तो उनका मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है भाई यहाँ पे। और ऊपर देखो भाई फेस बने हुए गमलों के भी, देखो भाई। और यहाँ पे रहते हैं वो, ये को देखो भाई बालाजी महाराज की। शनिदेव महाराज की मूर्ति देखो भाई साहब कितनी बड़ी है, क्या बात है। और वो पीछे आपको हल्का हल्का सा पहाड़ नजर आ रहा होगा, पहाड़ों में है अब हम। वीडियो बना लो मैडम, तो भाई ये देखो पीछे मम्मी जी हैं, या मौसी अंदर है, दिख दी तो कौन है। तो गैस यहाँ पे घूम लिए हम, बहुत बढ़िया मंदिर है भाई, बहुत कलाकारी कर रखी है। और यहाँ पे ना एक बहुत खास बात है भाई, जो मैंने आपको दिखाया था ना उस पे 10,008 शीश बना रखे हैं शनिदेव महाराज के, मतलब 10,008 भाई अनबिलीवेबल यार, कितनी कलाकारी लगी होगी, कितना टाइम लगा होगा 10,008 शीश बनाने में। पूरे मंदिर में 10,008 शीश लगे हुए हैं। तो भाई अब हम जा रहे हैं होटल पे, और कुछ कन्फर्म भी नहीं है भाई, क्योंकि यही बनाएंगे, कहाँ का प्लान बनाएंगे। तो भाई वैसे बहुत मज़ा आ गया यार, तो अब चलते हैं। तो भाई गणेश जी महाराज